ठीक है ठीक है यहाँ पे, यहाँ पे लोग सर, यहाँ देखिए सर, यहाँ पे मेरे कैमरे पे सर अभी सोलो सर सोलो सोलो असीम भाई सोलो का आदत लग गया सोलो भी हो जाए बस सर वैसे ही बस सर वैसे ही राजू भाई राजू भाई हां क्या सर रुको रु मैं सब कैमरे में थोड़ा थोड़ा देख देखो मिल लेफ्ट की ओर हां खास करके किशन को देखना इस तरह तारीफ की नहीं तो सपने में आएगा किशन किशन सपने में आ जाएगा बिल्कुल रूम होटा की माइक होटा की सही है सर सर वो वो एक मिनट ना बोले थैंक यू सर थैंक यू आप मुझे कौन जी नेता जी नहीं सर नहीं नहीं थैंक यू आइए सर एक पानी पी लूं सर एक थोड़ा सा चलिए सेंटर जोर से बोलिए जी सर रोमिल जी सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे जी शुक्रिया बेचैनिया जो है किस तरह का गाना है It's a romantic track, so it's a love song. कि you know Valentine Day and Valentine Day पे सोचा था कि एक romantic track आ जाए, तो आ गया. और इसमें एक love angle है जो एक Australia में एक लड़की है, you know एक लड़का उसके ख्यालों में खोया हुआ है क्योंकि उससे प्यार करता है. तो उसी तरीके का एक track देके you know end में मिल जाता है. और सिर्फ एक बताना है कि बेचैन कितना बेचैन हूँ मैं तेरे लिए basically कि तभी वो बेचैनिया गाने का track. आपके सबसे co-star कौन? ऐशानी मेहता. She's basically from Australia. No, Indian है, born in Indian, I guess, but इतना मुझे knowledge है नहीं, पता नहीं है, but she's born in India, and but right now she's living in Australia. Australia में अपनी community ज़्यादा रहती है, इसलिए तो नहीं लिया आपने. Sir, मैं कौन लेना? I'm no one to take anyone, sir. I'm an actor. Someone has taken me. I'm no one to. पर हाँ, खुदा ना खास्ता भी हरियाणा के लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो then I'll take someone. किस तरह का गाना है ये? सर ये सैड नहीं है सर, रोमांटिक ट्रैक, फील इट, आंख बंद कीजिए. और अमित मिश्रा जी ने इतने बखूबी गाया है कि एंड्रीना मेहता जी ने जो अपनी वॉइस दी है साथ में उनके, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो निकल के एक बहुत ही खूबसूरत गाना बना. और आयशानी ने तो एक्ट अच्छा किया. ये सर देखिए, रीना मेहता जी ने मेरे को बिग बॉस से आते ही बहुत अप्रोच किया था. एंड यू नो कि she likes me. एक होता है ना कि अपना अपना फेवरेट हो जाता है किसी किसी का, मे बी आई डोंट नो, बट रियल रीजन आई डोंट नो, बट वो मेरे को हमेशा बोलते रहते कि ये गाना साथ में करेंगे, ये गाना साथ में करेंगे. तो मैं सुनता रहता था, पर मैं उस टाइम पे एक तो सीरियल कर रहा था स्टार प्लस का, तो उसके बाद एक मूवी, फिर मैं बनारस चला गया शूट पे अपनी. तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा डेट्स का कुछ बना नहीं, पर उन्होंने सडनली मेरे को ये गाना भेजा. तो देन अमित मिश्रा जी की आवाज़ सुनी मैंने, तो मैंने बोला कि हाँ मेरे को चलो ये कर लेते हैं गाना. तो हमने आपस में बैठ के बातचीत करके बहुत अच्छे से आपके सामने खूबसूरत गाना पेश कर दी, जिसको आप सपोर्ट करेंगे मुझे पता. श्री बेसिकली क्या है कि आई गेस शाइनी पार्ट हैज बीन शूटन इन, जो शूट हुआ है शाइनी का पार्ट वो है सिडनी में कुछ, और कुछ वो इंडिया में ही शूट हुआ है मेरे साथ. सर गाने के बारे में तो यही बताना चाहूंगा कि खूबसूरत गाना है और बहुत दिल से बनाया है. कोई भी सॉन्ग हो, बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो सर, तो सिर्फ एक यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट को इंसान बनाता है, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, तो बहुत दिल से बनाते हैं. तो बस यही है कि वो दिल से जो जिस उम्मीद से वो गाना बनाया वो उनकी पूरी हो जाए, वो लोगों के प्यार के लिए बनाया और लोगों का प्यार मिल जाए तो गाना सक्सेस है. रियल लाइफ एल्बम जो है, एल्बम गाने वगैरह एक पहचान के लिए सर, मैंने रियल लाइफ में बेचैनी सर कभी मौका लगा नहीं, सही बताऊं. ये बेचैन पहले क्रिकेटर होते थे सर, उसके बाद जब कॉलेज में आए तो देखा, तब तक उसके बाद जब थोड़े मैच्योर हुए दिन आए तो शादी होगी सर, तो वो बात है. सर बिग बॉस तो खेलने गया था सर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरीके का प्लेयर था, जिस तरीके का इंसान था, मैं अपनी गेम और अपनी इंसानियत दिखाने गया था. तो मेरे टाइम पे मेरे को नहीं लगता किसी और चीज पे ना मेरा फोकस था, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कुछ, मेरा सिर्फ टारगेट था, दैट वाज अ बिग बॉस हाउस एंड टू शो कि हरियाणा में इस तरीके के लोग होते हैं और वकील लोग इस तरीके के होते हैं. तो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कौम की पर्सनैलिटी और अपने देश के जो एक हिस्सा है हरियाणा की पर्सनैलिटी को सबके सामने जाहिर करने गया था, जो बखूबी करीब है. अमृत इसलिए कि उसके बाद पूरा देश
आपके साथ जुड़ जाता है एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए, धीरे धीरे यू नो नया सीजन आता है तो आपका फैन बेस कम होता जाता है, फॉलोइंग यू नो हर तरीके से। बट ये एक अमृत इसलिए है कि उसके बाद आपको जब आप एक छोटे से गांव के थे, जो थे छोटे से शहर के थे, उसके बाद आपको कोई जानता नहीं था, एंड सडनली व्हेन यू केम आउट फ्रॉम द बिग बॉस कि आपके पास 3 किलोमीटर तक की रैलियां निकल रही है आपके लिए, लोग आपसे प्यार करने लगे हैं, हर तरीके का इंसान आपके साथ जुड़ने लगा है, और लोग आपसे फिर उसी यू नो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद द ग्रेट बर्डन। हर एक शोल्डर पे हर किसी की बस की बात नहीं होती वो भार भी उठाना। तो मैं ये चीज बहुत बखूबी समझ चुका था। तो फेम मिला, एक्सपोजर मिला, और जहर इसलिए कि हर कोई सोचता है कि अब ये रियलिटी स्टार बन गया, ये बहुत बड़ा कर देगा, पर एक्चुअली इंडस्ट्री में रियलिटी स्टार को एज एन एक्टर, कोई कॉमनर आया है उसको अपना वजूद बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितना एक गांव से कोई शुरू से शुरुआत करता है। एज ए रियलिटी स्टार वी आर नॉट एक्टर, एक्टर बनने के लिए हमें बिग बॉस से निकलने के बाद वापस से जीरो शुरू करना पड़ता है, और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम करने में शर्म न करो। अभी जब से आप निकले हैं कॉमनर का फंडा बंद कर दिया इन्होंने, जी क्या कहना चाहेंगे सर? ये इनका अपना फॉलोजी, देखो मैं तो कॉमनर्स के साथ ही हूँ, कॉमनर जितना देखो हमारे टाइम में था हमें ये पता था सेलेब वर्सेस कॉमनर, बट एट द एंड हमें ये भी पता चल गया चलो भाई आप भी सेलेब बन गए तो लड़ने का फायदा हुआ, सीधी बात है। आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? सर मेरे को कुछ नहीं लगता नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी करने वाला ऊपर वाला है, बिग बॉस नहीं है मेरे साथ। अगर मैंने कुछ गलत काम किया होगा तो उसने मेरे को फल दे दिया, बिग बॉस इज नो वन टू गिव मी दैट नाइंसाफी और कुछ करने वाला। बिग बॉस 14 देख रहे हैं आप जी सर, तो कौन जीतेगा आपकी नजर में? सर मेरी नजर में तो रुबीना दलक को जिता चुके हैं ये लोग, बट अभिनव होता तो मैं चाहता कि अभिनव भी वहां होता, बट राखी सावंत इज एक सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर, मैं अगर किसी को मानता हूं तो राखी सावंत है। वहां पे मास्टरमाइंड तो बतेरे गए थे, पर जो मास्टरमाइंड गिरी राखी सावंत ने दिखाई है यहां तक पहुंच के, आई सल्यूट हर। एंड यू नो उसने अपना एक इमेज, पहले हम बचपन से राखी यू नो छोटे ही है बट स्टिल एज के बारे में किसी बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर हम छोटे होते हैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे उसे देखते आ रहे हैं, एंड राखी सावंत ने जिस तरीके से अपने आप को यू नो हम कुछ और ही सोचते थे, बट राखी सावंत प्रूव्ड हरसेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, शी इज प्लेइंग रियली वेल एंड आई होप कि आगे तक जाए, बट शी रियली यू नो जो एक इमेजिनेशन होती है हमें ना हमें नहीं पता होता था क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं, पर राखी सावंत ने बहुत अच्छे से गेम खेला और राखी सावंत बिकम वेरी नाइस पर्सन फॉर मी, राखी सावंत इज अ विनर राइट नाउ, एंड यू नो निकित अंबोली को भी मैं पसंद करता था, बट यू नो रुबीना दलक को जीतना ही है वो आपके। जी आयशानी जी, हाँ आयशानी जी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ पे हैं वो? सर आयशानी जी इज इन ऑस्ट्रेलिया और पैंडमिक की वजह से वो आए नहीं, बट अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे कुर्सी रख के आयशानी का कैरेक्टर भी प्ले कर सकता हूँ, इधर रीना मेहता जी का भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है? सो यू नो बट आयशानी इज यू नो शी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, एंड विद जो उसके साथ काम करके मुझे बहुत मजा भी आया, भले ही 1.5 दिन का काम था हमारा, बट शी इज ऐसा नहीं होता कि यू नो शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक गाने को आपको एक्ट करने के लिए उसे सबसे पहले फील करना पड़ता है यू नो, बट फॉर और लिपसिंग भी करनी पड़ती है आपको उस हिसाब से यू नो डायलॉग, और हिंदी शी इज नॉट दैट मच गुड इन हिंदी, बट यू नो शी नो शी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो थोड़ा सा, पर उसने बहुत जल्दी क्विकली, मेरे को इमेजिन भी था कि जिस तरीके से वो एक्ट कर पाएगी, बट शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर मेरे से कुछ हो जाता था तो यू नो कि तुम ये भी कर सकते हो, तो थोड़े टाइम के बाद वो एडवाइस भी देने लगी थी, मतलब इतना घुल मिल गए थे। सर मैंने नहीं बनाया, ये बनाया रीना मेहता जी ने और अमित मिश्रा जी ने और रीना मेहता जी ने मिलकर गाया। अपने हरियाणा जी अपने तो लड़के चलती जी, इतने दो वो मारेगी तो हम मारेंगे, ऐसे चलेगा जी गाँव, कोई बात नहीं, यही तो प्यार प्रेम है सर। सर वाक्य बताता हूँ कि सर मैं सच्ची, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ सर, मेरी ना कॉलेज तक तो मेरे को कुछ सिस्टम ही नहीं था मेरा, मतलब मैं बहुत डिसेंट होता था, हरियाणा से आया था, पर हाँ लड़ाई वड़ाई करने वाले नो तो इस तरीके से अपने वो हरियाणवी ठाट चौधरी के बच्चे वो जरूर होता, पर लड़कियों के मामले में सर बहुत फट्टू होता था ऐसा नहीं, कसम से सर, वो कॉलेज के बाद थोड़ा थोड़ा सा डेट खुला, थोड़ा थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड हुए, बट कॉलेज सर मैंने आज भगवान कसम मैंने अपनी जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मेरे पे देखो वैसे फ्रेंड गर्लफ्रेंड के सो इशू है, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया वाला देख रहा हूं, दिल टूट जाएगा। सर पर उसके बाद देखो ना अब कितने लोगों का वैलेंटाइन ही मैं हूं, सपने देखते हैं, बढ़िया है ना सर, तो वैलेंटाइन बनाओ मत, वैलेंटाइन बन जाओ। क्या मैसेज देंगे आप वैलेंटाइन डे पे? सर
वैलेंटाइन डे पे मैसेज तो यही दूंगा कि यू नो इससे एक प्यार भरा दिन है, पर जरूरी नहीं है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करना है, आप इस प्यार भरे दिन को एक प्यार से मनाइए और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से मनाइए। एंड यू नो कि जस्ट गर्लफ्रेंड के साथ है तो गर्लफ्रेंड के साथ, अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, जैसे मैंने कॉलेज में दिन बिताए थे पर मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता था यू नो, या मदर को फोन कर लेता था, तो कभी अकेला मत महसूस करना वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे इज वेरी स्पेशल डे बट इट्स अ डे फॉर लव एंड सबके लिए। ओके सर, सर लोकेशन तो मेरे को खुद नहीं पता। हाँ जी सर, आपका मन करे तो बोलना, नहीं तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी सर, जो भी आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब के जो किसान बैठे उसके बारे में, आप किसान के बेटे हैं तो जी सर क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, बाप चाहे सही हो चाहे गलत हो, बाप का साथ देना चाहिए, सीधी सी बात है। तुम्हारा बाप किसान है और हम किसान के साथ, सिंपल सी बात है। चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट गलत कहे या कुछ कहे, पर मैं अपनी जमीन से कहना कि अपना बच्चा गलत हो या सही हो, अपना ही है जी, तो अपने से अपने अपने बच्चे से अपने पिता से भागने का नहीं। अपने बच्चे भी वही यार, अपने पिता भी वही यार, किसान के बच्चे हैं जी, तो किसान के साथ हैं जैसे भी है, पर गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं हो तो इस वजह से सब चुप बैठा हो। आज मेरी पहली स्टेटमेंट है, शायद पता नहीं कल क्या हो, दूंगा भी कि नहीं दूंगा, कि देने के लायक ना भी बचूं, बट एक सीधी सी बात बताता हूं कि हाँ, आई एम जस्ट, मैं पीछे हूं बट मैं अपने पिता के साथ, अपने उनके साथ, तो जैसे भी। रोबिन, हम हिंदुस्तानी हैं, जी सर, आप आर्टिस्ट हैं, हम आप बोले तो चलता है, लेकिन बाहर के आदमी की दखलबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी जो रियाना ने और मियां खलीफा ने जो उसपे बोला है, जी तो ये गलत है, कितना गलत लगा सर? देखिए ये पता है क्या गलत लगा कि सही लगा, देखो अपना देश का मुद्दा है तो अपने देश में रहे तो चीज बेटर है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि मजे लेने के लिए मैसेज किया कि दिल से किया, पर दो थॉट आते हैं, पर अपने देश पे कोई गलत थॉट नहीं आता है, तो दूसरे थॉट में दो थॉट की वजह से मैं इस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, ना इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंस देंगे तो उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, एंड व्हाट दे डिड, दे डिड फॉर, वो तो सक्सेसफुल, उनका मैटर हो ही रहा, इतनी कोई इशू नहीं सर, तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे खत्म कर दीजिए, ठीक है? जी थैंक यू। Sir, very nice experience of Bechania, and you know it was very nice. All the people was very humble, like chahe wo Reena Mehta ji ho ya Sunil Agarwal ji ho, chahe choreographer Saurabh ho ya you know Aishani ho, co-actors ho aapki, everyone was really nice and बहुत अच्छे से, बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने ये सॉन्ग बनाया था, और आई गेस आपने देखा और बहुत अच्छे से ये चीज़ निखर के भी आ रही है, एंड यू नो मेरे तो पसीने छूट रहे थे व्हेन आई वाज वाचिंग इट, यू नो कैसा लगेगा लोगों को, एंड स्टिल बिकॉज इट्स नॉट केम आउट येट बट स्टिल होती है उम्मीद, अपना गाना ना यू नो हर किसी को अपने सॉन्ग से उम्मीद होती है, चाहे वो उस सॉन्ग का प्रोड्यूसर हो या, तो थोड़ा सा स्ट्रेस है बट इट्स ओके, जो होगा अच्छा ही होगा, ये फॉर श्योर है। हम भी न्यू कमर हैं, हम कौन सा पुराने कमर हैं तो वही बात है, तो न्यू कमर की बात नहीं है, टैलेंटेड हर कोई होता है, और एक्ट मैं तो इस चीज में विश्वास नहीं करता, एंड यू नो आई एम जस्ट थिंकिंग ओवर इट फॉर यू नो फॉर आई जस्ट वांट स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर अप, मेरी खुद की प्लेस से, बट मैं अभी यही सोचता हूँ कि न्यू कमर्स के पास बहुत टैलेंट है, एंड आज की डेट में न्यू कमर्स करके काम ना देना इज, आई डोंट थिंक सो इज फाइन, शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब, एंड कई बार एक्टर एक्टिंग स्कूल या इनसे नहीं बनता, एक्टर दिल से होना चाहिए और उसको फील करना आना चाहिए कि व्हाट एक्टिंग इज, यू नो आप कितना भी स्कूल में चले जाओ पढ़ लेते हो, चाहे वो एक्टिंग स्कूल हो चाहे क्लास हो, पर जब तक आप दिल से सब्जेक्ट को फील नहीं करते आप उस सब्जेक्ट के कभी माहिर बन ही नहीं सकते। सो इट्स ओके सर, यू नो म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है जी, हम देख रहे हैं ढेर सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं जी, कुछ अच्छा आता है तो मैं करूंगा फॉर श्योर, पर अभी मेरा एक ही टारगेट है और एक ही चीज पे फोकस है, एक बार एक्टर बन जाऊं फिर दुनिया भर की चीजों में एक्टिंग करेंगे, सब गाने में भी करेंगे, हर जगह करेंगे, बट अभी एक अपने आप को थोड़ा सा अपने आप से जंग चली हुई है जिसे जीतने की भरपूर कोशिश चली हुई है, देखते हैं सर क्या होता है। किन किन चीजों को लेकर, किन किन बातों को लेकर बेचैन हो जाते हैं? सर मेरे को काम को लेकर बहुत बेचैनी होती है, मेरे को अपने परिवार को लेकर, यू नो इट्स, आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, एंड यू नो अभी क्या है कि आप मेरे को अपने ड्रीम्स को लेकर, बेसिकली द राइट वर्ड इज फॉर द ड्रीम्स, सर मैं अपने ड्रीम्स को ना पूरा करने के लिए हर तहे दो दिल से कोशिश करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता हूँ,
अपने सपनों को पूरा, और यही मेरी शिद्दत है, और एक दिन सब पूरे होंगे। सिर्फ एक ही चीज है मेरा काम जो मुझे बेचैन करता है, सही होना है, हो रहा है तो बेचैनी, नहीं हो रहा है तो बेचैनी। सो इट जस्ट वर्क बिकॉज आई जस्ट वांट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन द लाइन, दैट्स माय प्रॉब्लम। सो वैलेंटाइन सीजन भी चल रहा है जी सर, डे भी है जी सर, ऐसी क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आपकी तरफ? सर मेरी कोई प्लानिंग नहीं है स्पेसिफिक प्लानिंग क्या करेंगे सर, अभी अपनी प्लानिंग थी तो दे दिया, गाने गाने की प्लानिंग थी सर, गाना पूरा कर दिया स्पेसिफिक, अभी वैसे कोई प्लानिंग नहीं है सर। अपने घर जाएंगे, बढ़िया से बैठेंगे, आराम से देखेंगे थोड़ा टीवी पे क्या चल रहा है, बस बिग बॉस देख लेंगे और चले जाएंगे सर, रात को फिर से सो जाएंगे अच्छे टाइम से। सो बिग बॉस आप फॉलो भी कर रहे हैं तो जरा आप बताइए कि ये जो सब चल रहा है बिग बॉस के घर में, राखी सावंत कैसे देखते हैं आप इन सबको? सर मैं ये सब चल रहा है बिग बॉस के घर में, राखी सावंत को कैसे देखता हूँ? पूरे बिग बॉस को कैसे देखते हैं आप? पूरे बिग बॉस आने वाला है सर, मैं बिग बॉस को तो देखिए, बिग बॉस को तो मैं देखता ही आ रहा हूँ, पहले देखा था तभी उसमें गया था, अभी भी देखेंगे, बट द थिंग इज कि फिनाले में तो दिख ही रहा है, यू नो रुबीना दिलक है, आई विश वहाँ पे अभिनव होता सेकंड नंबर पे उसके साथ, आई वांटेड दैट कि यू नो हस्बैंड वाइफ वुड बी देयर एंड it will be a great message for the nation also, but nahi kara. So aur jo rahul vedyo ko dekhta hu sir main usme, and rakhi sawant ko dekhta hu main bahut acche se, inhone they played really well sir, and you know rakhi sawant rahul vedyo dono ne bahut acche se game kheli hai, and ali is also playing very nice, but to yahi hai sir, isi nazar se ki yahi final mein yahi char panch log hain surround, yahi sab kuch ghum raha hai, but theek hai sir. सर मैं कौन होता हूँ रिवन विनर बनाने वाला सर, उन्हें ऐसा है कि जस्ट लाइक कि लग रहा है कि यू नो आप एक स्टेज देखते हैं ना, द पर्सन प्लेज एंड जिस तरीके की उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो लोगों को देख के पता चल जाता है यू नो कि आपके हिसाब से भी आप बता दीजिए कौन विनर लग रहा है आपको, थोड़ा सा वो क्वालिटी ऊपर जा रही है, उठ के जा रही है, इट्स ओके सर, बन जाए तो अपनी तरफ से वो भी अपने लिए तो वही अच्छे सर, कोई बात नहीं, जिस जो डिजर्व करता है बिग बॉस और ऊपर वाला उसी को ट्रॉफी दिलाएगा सर, अगर राहुल वैद्य करता होगा तो उसे मिलेगी, अगर ये अपना राखी सावंत जी करते होंगे उन्हें मिलेगी, अली करता होगा तो अली, नहीं तो रुबीना दिलक को करते होंगे तो रुबीना दिलक। सलमान खान जी वीकेंड का वार कर रहे हैं जी, कैसे देखते हैं आप? सर ही इज माय आइडल, ही इज लाइक फादर टू मी सर, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छे से जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलती है और मिलते हैं, और उनसे एक अपनापन का फील आता है, इट्स लाइक दैट्स व्हाई यू नो आई हैव अ ह्यूज बंच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट दिस गाय सलमान सर, एंड यू नो सलमान सर की जितनी तारीफ करूं सर उतना कम है, क्योंकि एज पर्सन भी मैं जब जब मिला हूं उनसे, इट्स लाइक यू नो वेरी सुपरबली, जस्ट यू नो बस मतलब शब्द ही नहीं है इस तरीके के इंसान है। चलिए बेचैनिया रिलीज हो चुका है, कुछ कहना चाहिए अपने जी प्लीज, सबको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, एंड यू नो रोमांटिक डे है, वैलेंटाइन डे है, तो प्लीज इस गाने को सेलिब्रेट कीजिए, इस गाने को सुनिए और अपने यू नो अपना प्यार इस गाने को दीजिए, और प्लीज शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।